एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी के बारे में। डीटीएफटी के अब तक हम पांच प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, ये सिक्स प्रॉपर्टी है, उसके साथ एक एग्जांपल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई सिग्नल है एक्स ऑफ एन, उसका जो अगर हम डीटीएफटी लें आता है कितना, एक्स ऑफ ई की पावर 6 ओमेगा। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्युमुलेशन समीशन, अगर किसी सिग्नल का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एम इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी से लेकर एन तक, अगर मुझे एक्स ऑफ एम का डीटीएफटी चाहिए, मेरा सिग्नल इस टाइप का, देन उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ऑफ ई की पावर j ओमेगा अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस j ओमेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमने वहां पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी CTFT में, पाई x ऑफ, वहां पे 0 होता था, यहां पे भी 0 ही होगा, लेकिन e की पावर, वहां पे ओमेगा के जगह 0 होता था, यहां पे भी ओमेगा के जगह 0, लेकिन क्योंकि ये 2 पाई से जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है पीरियोडिक भी होती है, तो यहां पे एक चीज जरूर आनी है। क्या आएगी वो चीज जो 2 पाई से आ जाए, फिक्स हो जाए, एक समीशन का टर्म डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई के। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इससे हम क्या करेंगे, यूएन का डीटीएफटी निकाल के दिखाएंगे। यूएन का वैसे निकल नहीं पाता, तो हम क्या करेंगे, एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालेंगे। देखो अब एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी इस पर, ये भी देखते हैं। देखो हमें पता है un को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या होता है, ये एक सम होता है केवल, m इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी टू n डेल्टा m, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये इसका एक तरह से वही वर्जन है। अगर ये इसका यही वर्जन है तो मैं क्या करता हूं, इसी प्रॉपर्टी को यहां पे अप्लाई कर देता हूं। अब यहां पे ध्यान से देखो, तो मुझे इसका डीटीएफटी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे x of m किसके इक्वल हो गया हमारे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, डेल्टा m के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बस ध्यान से देखना, ये हमें क्या क्या चाहिए दूसरी साइड में, x of e की पावर j ओमेगा, यानी जो x of m है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, उस फोरियर ट्रांसफॉर्म की ओमेगा इक्वल टू 0 पे वैल्यू, दो चीजें हमें चाहिए। दोनों निकाल के हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, और हमें un का क्या मिल जाएगा, और DTFT मिल जाएगा। तो हमें मिल चुका है, यहाँ से हमने दोनों कंपेयर करा, यहाँ से x of m में वो किसके इक्वल मिला मुझे, डेल्टा m के। ठीक है, तो x of m का जो DTFT है वो निकाल लेते हैं, इसका x of e की पावर j ओमेगा, और डेल्टा m का DTFT कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, इस फंक्शन की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे, तो निकालते हैं जो भी हमारा ओमेगा होगा उसमें क्या रख दूंगा मैं, 0 रख दूंगा, क्योंकि ये ओमेगा से फ्री है, तो वैल्यू क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। इन दोनों वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में ऊपर रख दो, तो हमारा डीटीएफटी जो बन जाएगा वो किस टाइप का बन जाएगा, समीशन m इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी टू n डेल्टा m का डीटीएफटी किसके इक्वल आ जाएगा, x ऑफ e की पावर j ओमेगा, जो कि आया 1। ठीक है, लगा देंगे 1, और फॉर्मूला क्या था दोबारा से देखो, x ऑफ e की पावर j ओमेगा आया 1, नीचे क्या था टर्म, 1 माइनस e की पावर j ओमेगा, यहां पे लिखा क्या, 1 माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा प्लस पाई, पाई आगे क्या था, पाई आगे इसके दे, आगे देखो x ऑफ e की पावर j 0, x ऑफ e की पावर j 0 भी हमारा किस्मत से क्या रहेगा, 1 ही रह गया। ठीक है, आगे क्या था फिर, समीशन k इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई के, इसको बस लिख दो यहाँ पे, समीशन k इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई के। तो un का जो DTFT है, इसकी जगह मैं un लिख सकता हूँ वापस,
तो un का जो हमारा DTFT है, जो हमेशा याद रखना सबको, क्या मिला हमें, 1 अपॉन ये ओमेगा, 1 माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा प्लस पाई k माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई के। ये हो गया हमारा un का DTFT, ज्यादा तो मुश्किल नहीं था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरह से देखो, कुछ जो सिग्नल होते हैं उनका DTFT हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, जैसा CTFT नहीं निकाल पाते थे डायरेक्ट, हम तो क्या करते थे, प्रॉपर्टीज की हेल्प से निकालते थे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। इसको ये यहाँ पे ओमेगा, इसको करेक्ट कर लेना, मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी के साथ एग्जांपल इसलिए कराता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कि जब एक साथ करते हैं ना तो मजा नहीं आता क्वेश्चन। तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया, फिर आगे जाके करेंगे ना, थोड़ा सा मजा आएगा प्रैक्टिस करने में, ठीक है। फिलहाल तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।